इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। ठीक आधे घंटे पहले प्रधानमंत्री ने एक मैसेज शेयर किया, कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री एक बार फिर पब्लिक से बात करेंगे, एक नए मिशन को लॉन्च करेंगे। आज भी प्रधानमंत्री ने एक पब्लिक मीटिंग की है। पिछले 7 दिनों में मोदी 5 बार जनता से बात कर चुके हैं, वो कल भी पब्लिक के बीच जाएंगे। लोग कहते हैं पीएम पब्लिक के बीच बार बार क्यों जाते हैं, मुख्यमंत्री से क्यों बात करते हैं, पब्लिक से क्यों जुड़ते हैं। आज हम मोदी की इसी स्ट्रेंथ का विश्लेषण करेंगे। पुराने प्रधानमंत्री सत्ता की तरफ बढ़ते थे तो पब्लिक से ही डिस्कनेक्ट हो जाते थे, लेकिन मोदी जनता से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहता है, यह ग्राउंड पर भी दिखता है? क्या यह सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट है या इसके आगे मोदी का अपना एक बहुत मजबूत फीडबैक सिस्टम है? जो मोदी को नहीं जानते उन्हें यह इवेंट लग सकता है, लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी के 20 साल की वर्किंग स्टाइल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि पब्लिक से जुड़ना ही मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। पहले नेताओं की पब्लिक मीटिंग होती थी तो सिर्फ भाषण होते थे, अब इंटरैक्शन होते हैं, बातचीत होती है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन होता है। आप चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आपके जेब में हो? अक्सर कहते हैं कि कंटेंट इज किंग। मेरा अनुभव है कि कंटेंट इज कनेक्ट। आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं क्या? मोदी ऐसे रिएक्ट करते हैं, पब्लिक से कनेक्ट करने के लिए 10 सेकंड में सीधी बात कहते हैं। आप चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आपके जेब में हो? मैं बताता हूं तरीका है उसका। मैं 24 घंटे आपकी जेब में उपलब्ध रहूंगा और आपकी हर धड़कन को मैं सुन पाऊंगा। आइए, मेरा और आपका निकट का नाता बनना चाहिए, आपका मुझ पर पूरे पूरा अधिकार है। मोदी जो कहते हैं दिल से कहते हैं तभी जनता के दिल तक बात पहुंचती है, पीपल्स लीडर वाली हेडलाइन बनती है। अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा, अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया है। जो आसमान छूने का उसको नहीं होती। प्रधानमंत्री बहुत हुए, मगर 2014 में मोदी ने प्रधान सेवक का जो टर्म क्वाइन किया वो सिर्फ शब्द नहीं है, आम आदमी के बीच रहना, देखना और बातें करना, यही नरेंद्र मोदी की असली ताकत है। मोदी को वैसे तो इंडिया का बेस्ट ओरेटर कहा जाता है, मगर पहले के प्रधानमंत्रियों और मोदी में एक फर्क है, और ये फर्क ये है कि पहले भाषण होते थे, अब बातचीत भी होती है। अब जनता प्रधानमंत्री से बात कर सकती है, अब आम जनता पीएम से पर्सनल भी, सोशल भी, कोई भी बात पूछ सकती है। ये पहली बार हुआ है, अब कॉमन मैन और प्रधानमंत्री एक साथ फोटो खिंचा सकते हैं, एक फ्रेम में दोनों आ सकते हैं, ऐसा पहली बार हुआ है। सर आपके लिए, सर देखिए, सर से बाहर निकल, फोटो निकाल देंगे, मोबाइल वाले को बाहर निकाल देंगे। वाह, बढ़िया बनाए सर, गांधी जी बनाए, वाह। पहले एक साल में एक बार राष्ट्रीय संबोधन होता था, मगर अब थोड़े थोड़े समय पर रेडियो पर मन की बात होती है। एक फ्रेम में किसान देखते हैं, गरीब नजर आते हैं, मोदी सबका हालचाल पूछते हैं और फिर चुपचाप उनकी बातें सुनते हैं। ऐसा मौका पिछले 7 साल में ही आया, जब से नरेंद्र मोदी पीएम है। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जो कि हमारे पीएम, हमारे
भारत का, भारत देश का, हमारे इंडिया का जो कि प्रधानमंत्री हैं वो हमारा नाम लिए। नहीं सोचे थे कभी कि ऐसा कुछ होगा। अचानक हम मन की बात का हम देख रहे थे यूट्यूब पे, तो हमको देखने के लिए मिला कि हमारा नाम लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री। सालू मर्दा तिमक्का। देश ने वो दौर देखा है जब पद्मश्री अवार्ड उनको मिलता था जिनके पास दिल्ली में जुगाड़ हो, मगर अब समय बदल चुका है। अब गांव के किसी गुमनाम समाज सेवी को, किसी मेहनतकश गरीब को, उस शख्स को जो डिजर्व करता है उसे सम्मान मिलता है। और मोदी ये कहने में हिचकिचाते नहीं। आपने बीते 2-3 वर्ष में देखा होगा कि कैसे पद्म सम्मान को लेकर भी सरकार ने एक पारदर्शी सिस्टम तैयार किया है, और इस पारदर्शी सिस्टम की वजह से अब देश के दूर सुदूर इलाकों में समाज के हित में अपनी जिंदगी खपा देने वाले लोगों को भी सामने आने का अवसर मिला है। अब मैं जानता नहीं हूं इन 12 साल में आपके पास पद्मश्री को लेकर के कैसी कैसी जानकारियां लोगों ने मांगी होगी, लेकिन देश में आजादी के बाद जितने ये अवार्ड दिए गए हैं शायद मैक्सिमम परसेंटेज दिल्ली का है। यानी टैलेंट कहो तो दिल्ली में, सेवा कहो तो दिल्ली में, त्याग कहो तो दिल्ली में, समर्पण देश में कुछ कहीं है ही नहीं। और उसमें भी ज्यादा डॉक्टरों को मिला है, और उसका कारण वो नेताओं की तबीयत देखते थे। पब्लिक से कनेक्शन के लिए मोदी के इनोवेशन की चर्चा यूं ही नहीं होती। मोदी को सोशल मीडिया का अनडिस्प्यूटेड किंग यूं ही नहीं कहा जाता। All parts of our country. Thank you and Jai Hind. एक वक्त वो भी था जब विज्ञान भवन में मीटिंग्स हुआ करती थी, मगर पब्लिक और नेता के बीच 20 फुट की दूरी दिखती थी। मनमोहन सिंह बोलना शुरू करते थे, सामने सोनिया गांधी बैठी रहती थी। मगर मोदी जरा दूजे किस्म के नेता है। वो पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, राजपथ हो या मेट्रो ट्रेन हो, सीधे पब्लिक के बीच पहुंचते हैं, बातें करते हैं, बातें सुनते भी हैं। देश हो या विदेश, लोकेशन कोई भी हो, स्पॉट कोई भी हो, चंद मिनटों में मोदी लोगों से घुल मिल जाते हैं। मोदी पब्लिक की बात समझते हैं, कंधों पर हाथ रखकर समझाते भी हैं। ये पबजी वाला है क्या? ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में इम्तिहान पहली बार हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार आया जिसने उन बच्चों की भी बात की जो वोट देने की उम्र से दूर हैं। चाचा नेहरू की तस्वीर दिखाना और किस्से छपवाना ये पुरानी सरकारों का रिवाज था, लेकिन नरेंद्र मोदी बच्चों से दोस्तों की तरह बात करते हैं। अब ऐसी कैसी जिंदगी, खुल कर हंसी मजाक भी करते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में होंगे लेकिन कोशिश करते होंगे दोस्त को बताने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। सवाल जवाब भी करते हैं। ये पबजी वाला है क्या? महोदय मुझे लगता है कि अगले साल हम दोनों के ही बोर्ड की परीक्षा है, क्योंकि मेरे 12वीं की परीक्षा है और आपके लोकसभा चुनाव है, तो क्या आपकी इस पे पूरी तैयारी है? इतना मुझे पक्का लगता है अगर मैं आपका टीचर होता तो मैं आपको गाइड करता कि आप जर्नलिज्म में जाइए, क्योंकि ऐसा लपेट करके सवाल पूछने की ताकत जर्नलिस्टों की ही होती है। किसान से लेकर मजदूर, बच्चों से लेकर बुजुर्ग और बड़े बड़े मुल्कों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक, मोदी इकलौते ऐसे पीएम हैं जो ओबामा के साथ भी चाय पीते हैं और गांव के गरीबों के साथ भी चाय पर चर्चा करते दिखते हैं। लोग कहते हैं कंटेंट इज किंग, लेकिन मोदी के लिए कंटेंट किंग नहीं, कंटेंट पब्लिक से कनेक्ट होने का अचूक मंत्र है। कुछ दिनों पहले ही मोदी ने अपने निजी अनुभव के आधार पर इसकी व्याख्या की थी। आप लोग अक्सर कहते हैं कि कंटेंट इज किंग, मैं आप लोगों से अपने अनुभव की एक और बात कहना चाहता हूं। मेरा अनुभव है कि कंटेंट
ईच कनेक्ट, यानी जब आपके पास बेहतर कनेक्ट होगा, बेहतर कंटेंट होगा, तो लोग खुद ही आपके साथ जुड़ते जाते हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मोदी जिस कंटेंट की बदौलत पब्लिक से कनेक्ट होने की बात करते हैं, वो आइडिया 2014 से 2021 के बीच नहीं आया। मोदी पब्लिक और पार्टिसिपेशन का ये यूनिक कलेक्शन पिछले 7 सालों से नहीं, पिछले 20 सालों से लगातार चला आ रहा है। 24 घंटे पब्लिक से कैसे जुड़े रहना है, भारतीय राजनीति में ये नरेंद्र मोदी ने ही शुरू किया। जब नेता सोशल मीडिया से भागते थे तो नरेंद्र मोदी ने खुद को जोड़ा। जब नेता तकनीक के नाम से ही डर जाते थे तब नरेंद्र मोदी ने प्रयोग शुरू कर दिया था। स्वभाव तो हाँ, मैं टेक्नो से भी हूं, मुझे नई टेक्नोलॉजी जानना समझना मेरा मन करता है। अगर शिव मिले तो मुझे शिव में इंटरेस्ट कम रहेगा, नोकिया के प्रोडक्ट में ज्यादा रहेगा। ये मेरा टेम्परमेंट है कि क्या क्या नया दुनिया में आ रहा है। मोदी ने ये बातें 10 साल पहले यानी साल 2012 में कही थी, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तकनीक की मदद से जनता से जुड़ना, उनकी समस्याएं सुनना और समस्याओं के समाधान का आइडिया मोदी को 2003 में ही आ गया था। यानी पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के 2 साल बाद ही उस वक्त मोदी ने स्वागत ऑनलाइन यानी स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम को लॉन्च किया था। दूर दराज के गांव में बैठा हुआ कोई भी नागरिक अपनी बात प्रशासन शासन के सामने कैसे रखे, ये रखने के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया कि भाई आप सिंपल पोस्टकार्ड डाल दीजिए, आपको सामने से कलेक्टर कहेगा कि भाई आप इस समय पे जिला की कचहरी में आइए, वहां बैठ के आप चीफ मिनिस्टर से सीधी बात कर लीजिए। तो लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ। दूसरा, तंत्र में भी ये डर हुआ कि जो काम हम नहीं कर रहे हैं उसका जो भी नागरिक होगा वो अपने काम के लिए आगे बढ़ेगा तो हमको कम से कम शर्म का अनुभव होगा। तो स्वागत में जो भी चीजें आती थी वो तो निपट जाती थी, मगर उसकी वजह से जो रिपल्स होते थे उससे भी काफी समस्याएं हल हो जाती थी। ऐसा भारत के किसी राज्य में पहली बार हुआ था। बाद में मोदी ने टेक्नोलॉजी की ताकत को कुछ यूं बयां किया था। हमने कुछ वर्षों से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ईसीएस को ही हमने मदद में लिया था, स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम किया। आज वो स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम की ताकत ये है मित्रों, आप यहां काम करते होंगे ना, आपको अंदाज नहीं होगा कि आप देश की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। मेरा जो ये स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम है, इसने गरीब से गरीब आदमी को ऐसे एम्पावर किया है, कोई गरीब आदमी फटे कपड़े हो, गंदे कपड़े हो, खेत से आया हो और सरकारी दफ्तर में जाएगा तो आप जानते हो क्या होता होगा। इधर जाओ उधर जाओ, इधर नहीं ऊपर जाओ ऊपर जाओ नीचे जाओ, यही होता है ना मित्रों। आज ये सिर्फ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के कारण गांव का गरीब आदमी भी आज गुजरात में मामलेदार के पास जाके खड़ा हो जाता है, कलेक्टर के पास जाके खड़ा हो जाता है और अगर वो सुनवाई नहीं करता है तो तुरंत कहता है साहब ठीक है मत सुनवाई, मैं ऑनलाइन जाता हूं। जैसा ही वो बोलता है मैं ऑनलाइन जाता हूं, वो कलेक्टर खड़ा हो जाता है, आइए बैठिए बैठिए। मोदी ने अपनी कार्यशैली के साथ अपने टेक से भी दिमाग को कनेक्ट करके पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्ट किया। मोदी का हर प्रयोग शुरू शुरू में विरोधियों को पब्लिसिटी स्टंट ही लगता है। जब तक विरोधियों को बात समझ में आती है तब तक नरेंद्र मोदी बहुत आगे निकल चुके होते हैं। इनकी समस्या ये है कि वो मोदी का पूरा अध्ययन नहीं करते हैं। वो अगर अध्ययन करते तो शायद 50-60% तो समझ सकते थे
कि अब मोदी इस रास्ते से जा रहा है तो उधर जाएगा, लेकिन ये मेहनत नहीं करते, ये मेहनत नहीं करते। पब्लिक से कैसे जुड़ना है ये बात नरेंद्र मोदी ने 2011 में ही बता दी थी। इमेज मेकओवर के लिए ये तौर तरीके नहीं होते हैं। हमारे देश में अगर मीडिया के माध्यम से इमेज बनती है तो फिर तो आप मीडिया के लोगों के साथ बैठे रहो, दिन रात इंटरव्यू देते रहो, इनसाइड इंफॉर्मेशन शेयर करते रहो, काम करो या ना करो गप्पाजी मारते रहो, तो इमेज बनाने के लिए वो रास्ते होते हैं। इसके इतना कठोर परिश्रम करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात है, जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे नरेंद्र मोदी की इमेज की कोई चिंता ही नहीं है, ना ही मैं इसके लिए जिंदगी खपाता हूँ, ना मैं समय बर्बाद करता हूँ। इस बयान के एक साल बाद यानी 2012 में मोदी ने पहला प्रभावशाली ट्रेलर गुजरात चुनाव में लॉन्च किया। चुनाव प्रचार में लोगों से जुड़ने के लिए मोदी ने पहली बार देश में 3D प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उस वक्त देश और विदेश में ये खबर छपी, मोदी का होलोग्राम वाला 3D अवतार वर्ल्ड फेमस हुआ। 18 नवंबर 2012 को मोदी एक साथ एक ही समय पर अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा के वोटर से जुड़े, टेक्नोलॉजी की मदद से डायरेक्ट संवाद किया और पब्लिक को मोदी का यह अंदाज पसंद आया। आजे विश्व में पहली बार टेक्नोलॉजी ना उपयोग थी, चूंटनी प्रचार अभियान थतु होय अने ते पण एक स्थले थी अनेक जगहों जोड़ी ने आ विश्व ना टेक्नोलॉजी ना इतिहास थी अभूतपूर्व पहली घटना है। सोचिए 3D टेक्नोलॉजी की मदद से पब्लिक से कनेक्ट करने का जो आइडिया मोदी को 2012 में ही आ गया था, 2017 में फ्रांस के राष्ट्रपति पद के चुनाव में उसी आइडिया को इंप्लीमेंट किया गया। 2012 में मोदी ने गुजरात में जो प्रयोग किया, 2014 में उसे देश के कोने कोने में पहुंचाया और तब BBC में खबर छपी ये वर्चुअल नरेंद्र मोदी है। हर वेबसाइट पर मोदी के 3D अवतार के चर्चे, इंडिया से अमेरिका तक मोदी मैजिक वाले सुर्खियां और भारत विजय के स्लोगन के साथ लोकसभा चुनाव में पहली बार 3D रैलियों की मदद से मोदी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक डायरेक्ट मैसेज पहुंचाया और प्रचंड बहुमत के साथ BJP की जीत का झंडा लहराया। आप भारत की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हिस्ट्री देख लीजिए, किसी भी नेता का एनालिसिस कर लीजिए, दो चीजें ऐसी हैं जो मोदी के फेवर में जाती हैं। नंबर 1, मोदी टेक सेवी हैं और नंबर 2, सोशल मीडिया पर मोदी के टक्कर में कोई नहीं है। एक लाइन में कहें तो इंडिया में सोशल मीडिया का पहला प्रयोग ही मोदी ने शुरू किया है। 2014 की जीत के बाद ब्रिटिश ऑथर लांस प्रिंस के किताब द मोदी इफेक्ट इनसाइड नरेंद्र मोदी कैंपेन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया में मोदी के इस प्रयोग के बारे में काफी दिलचस्प जानकारियां दी गई हैं। किताब में मोदी को कोट करके बताया गया कि कैसे नरेंद्र मोदी सुबह 5 बजे उठते 4 से 5 मिनट के भीतर अपना iPad खोलकर ऑनलाइन मैसेजेस चेक करने लगते थे। किताब में इस बात का भी जिक्र है कि 1999 के चुनाव में मोदी ने पहली बार डिजिटल कैमरे का प्रयोग किया था। मोदी ने व्हाट्सएप को लेकर अपनी फॉरवर्ड थिंकिंग के बारे में भी बताया था और कहा था जब व्हाट्सएप शुरू हुआ था उतना पॉपुलर नहीं था, तभी से मोदी ने अपने लोगों से संवाद के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आने को कह दिया था, क्योंकि मोदी को पता था कि भविष्य में व्हाट्सएप संचार का अहम जरिया होगा। मोदी के यूट्यूब चैनल को ही ले लीजिए, 26 अक्टूबर 2007 को मोदी ने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और आज की तारीख में इसके सब्सक्राइबर्स की संख्या करीब 92 लाख है। ट्विटर की बात करें तो मोदी जनवरी 2009 में ही इस प्लेटफॉर्म पर आ गए थे और इस वक्त ट्विटर पर उनके 7 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर 4 करोड़ से ज्यादा लोग मोदी को फॉलो करते हैं। नवंबर 2014 में मोदी इंस्टाग्राम पर आए, मगर आज की तारीख में इंस्टाग्राम पर मोदी को 6 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। और ये सिर्फ इन 4 प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं है, मोदी डिस्कवरी के नेटवर्क स्टंबल अपॉन पर भी हैं, लिंक्डइन पर भी हैं, पिंटरेस्ट पर भी हैं। ऐसे कई और भी प्लेटफॉर्म हैं जहां मोदी की मौजूदगी है। मकसद सिर्फ एक है, पब्लिक से कनेक्टेड रहना और फीडबैक मिलते ही एक्ट करना। 2014 में मोदी जब इंडिया TV के शो आपकी अदालत में आए थे तो मोदी मोदी दो अक्षर वाला ये नारा पूरे हिंदुस्तान में चल पड़ा था। TV खोलिए मोदी,
रेडियो खोलिए मोदी सरकार, एफएम बैंड चलाइए इस बार मोदी सरकार, समाचार पत्र देखिए मोदी। वो कह रहे हैं कि ये मोदी ने अपनी हवा क्रिएट कर दी है, कोई लहर नहीं है, ये सिर्फ अपने आप ही कहते हैं, कोई नहीं कहता। एक तो मैं खुद कभी कहता नहीं हूं भाई, आप लोग बोल रहे थे कि मैं बोल रहा था। आपको किसी ने सिखाया है? आपको किसी ने बताया है? आप अपनी मर्जी से बोल रहे हो? आपको लगता है देश अपनी मर्जी से बोल रहा है? तो इसमें न मेरी सुनिए, न नीतीश कुमार की सुनिए, जनता की सुन लीजिए। ये जो जनता के मोबाइल फोन है, जो मेरा भी मोबाइल फोन है, इसके ऊपर मैसेज आते हैं। और मैसेज क्या आते हैं ये मैं आपको सुनाता हूं, कैसे हवा बनती है। मैसेज आया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब की बार मोदी सरकार। मैसेज आया, राहुल गांधी ने खाई चॉकलेट बार, अब की बार मोदी सरकार। फिर मैसेज आया, पराठों के साथ खाओ अचार, अब की बार मोदी सरकार। और फिर किसने कहा, दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार मोदी सरकार। और फिर पॉलिटिकल भेजा किसी ने, सोनिया जी ने मनमोहन जी से कहा, अब तो अपना मौन तोड़ दो सरदार। मनमोहन जी बोल पड़े, अब की बार मोदी सरकार। और एक अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया है, भाइयों मत मारो चांटा बार बार, मैं भी कहता हूं। मैं देश की ये जो देश की क्रिएटिव जनरेशन है उनका अभिनंदन करता हूं। और मैं मानता हूं कि अगर ये सोशल मीडिया न होता तो देश की क्रिएटिविटी का, देश की आवाज का पता ही नहीं चलता। मोदी के लिए टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्टिंग डिवाइस है। 2001 से 2014 तक जो हुआ आपने देखा और सुना, मगर 2019 में भी मोदी पब्लिक से डिस्कनेक्ट नहीं हुए। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के इंटरनेशनल कम्युनिकेशन रिसर्च जनरल ने 2019 लोकसभा चुनाव के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें पता चला कि 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान मोदी के 41% ट्वीट्स में बीजेपी और देश में हो रहे बदलाव का जिक्र था, जबकि मोदी के 17% ट्वीट्स कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों पर थे। मोदी के 13% ट्वीट्स में राष्ट्रवाद शब्द पर फोकस था, जिसने पब्लिक का मूड कैप्चर किया। उस दौरान मोदी औसतन एक दिन में 10 ट्वीट किया करते थे, और स्टडी के मुताबिक किसी देश के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया का इससे बेहतर प्रयोग शायद ही कभी किया हो। मोदी ने गुजरात के एक्सपीरियंस को दिल्ली में इस्तेमाल किया, देश की जनता को एम्पावर किया। स्वच्छ भारत अभियान का मेन टारगेट सफाई के प्रति लोगों की सोच बदलना था, माई जीओवी प्लेटफॉर्म और नमो ऐप से डायरेक्ट फीडबैक लेना था, यानी लोगों से कैसे कनेक्ट होना है मोदी को पता है, पब्लिक को कौन सी बात किस लहजे में और कितनी आसानी से समझानी है ये भी मोदी जानते हैं। इसलिए वो आज से नहीं बल्कि 20 सालों से लगातार अपनी कोशिशों में कामयाब हुए हैं। योगा को दिल्ली से लेकर अंटार्कटिका तक पहुंचाना हो तो इसके लिए भी मोदी के पास मैजिक मंत्र है। बच्चों के दिमाग से एग्जाम का प्रेशर कम करना हो तो भी मोदी के पास अपना परीक्षा पर चर्चा का आइडिया है। दरअसल एग्जाम जीवन को घड़ने का एक अवसर है। मोदी को पिछले 20 सालों में मोस्ट इंटरेक्टिव चीफ मिनिस्टर भी कहा गया, और अब मोस्ट इंटरेक्टिव प्राइम मिनिस्टर भी कहा जा रहा है। मोदी के टेक सेवी होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उन्हें इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है, और मोदी को ये बात पता है। बिल्कुल, मैं पढ़ता भी हूँ और मजा लेता। आपको वैसे मैं जब आप अपने ऊपर कोई मीम्स बने हुए देखते हो, जो सोशल मीडिया पे मीम्स आते हैं, तो वो मीम देख के आपको हंसी आती है? वैसे आपने कहा गुस्सा तो आता नहीं ज़्यादा करके, लेकिन वो जो मीम्स आप देखते हो तो आपको कैसा लगता है? जैसे देखो मैं कुछ 4-5 मीम लेके आया हूँ, ये देखिए।
ये लिखा है, दिस टी सेलर कैन गिव नेशन यूनिटी, इक्वालिटी, सेफ्टी, प्रॉस्पेरिटी। तो ये एक है, इसमें लिखा हुआ है, चटनी के बिना ढोकला है बेकार, अब की बार मोदी सरकार। ये देखिए, हमारे मेरे ही सारे फ्रेटर्निटी के लोग आए थे आपसे मिले, तो सबके चेहरे पे यहाँ लगा दिया जय श्री राम। ये आपने देखा कभी? ये मैंने नहीं देखा, ये आज देख रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं देखा आपने। तो ये रोहित शेट्टी जो है, ये एक्शन डायरेक्टर हैं, मीट नरेंद्र मोदी जी, और अगले दिन आपको उन पर इतना असर पड़ा, सीधा मोटरसाइकिल लिया आपने, निकल पड़े। तो ये मीम देख के आपको कैसा लगता है? मैं एंजॉय करता हूँ। मैं उसमें मोदी को कम देखता हूँ, क्रिएटिविटी को ज्यादा देखता हूँ। तो मुझे उस क्रिएटिविटी के प्रति, यानी मेरा घोर भी विरोध होगा, मुझे बड़ा मजा आता। क्या बड़े सटीक तरीके से कहा है। सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये है कि मुझे कॉमन मैन की जो सेंस है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसका एनालिसिस है, ये समझने में बड़ा। वरना क्या होता है, ये बनी बनाई लोगों की जो परोसी हुई चीज होती थी जी, 5-star फूड जैसा होता था वो, ये एक प्रकार से फुटपाथ पर का जो चने चबेने और पकोड़ा होता है, वैसा सोशल मीडिया का मटेरियल होता है। फिनिश नहीं होता, लेकिन उसमें से आपको सच्चाई हाथ लग जाती है। इतना बड़ा देश है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हर रोज आएगी, लेकिन जो सॉल्यूशन दे, उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। मोदी के पास अपना खुद का फीडबैक सिस्टम है, टेक्नोलॉजी का उसमें अहम रोल है, इसलिए मोदी बिना किसी पॉज के जनता से कनेक्ट होते हैं, पब्लिक तुरंत रिएक्ट करती है, और मोदी बिना किसी देरी के एक्ट करते हैं, और ये आज से नहीं, नॉनस्टॉप 20 इयर्स से चलता जा रहा है। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।